बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको साबुत काली माश की दाल गोश्त बनाना बताऊंगी। तो इसमें जो जो अशिया इस्तेमाल होती हैं, ये मैंने एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मैंने माश की साबुत दाल ली जिसे मैंने 2 घंटे भिगो दिया था। तो ये इस तरह की होगी, 3-4 पानी मैंने धो लिया इसे। एक पाव मैंने बीफ का गोश्त लिया है, पोटियाँ ली हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है, हड्डियाँ नहीं है इसमें। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून, और 2 ही टेबलस्पून मैंने प्याज का पेस्ट लिया है। हरी मिर्चों का पेस्ट है ये 2 टेबलस्पून है। ये भी नमक लिया मैंने 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले का पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें दाल डाल देंगे, एक गोश्त डाल देंगे, थोड़ा सा यखनी थी जो मैंने गोश्त उबाला था उसकी यखनी थी, नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाल दी है। ये मैंने डाली हरी मिर्च, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने ये 2 बाउल मैंने इसमें पानी के डाले, और ये कुकर में मैंने पकाना है 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में कुकर को चलाऊंगी मैं, और फिर ये पक जाएगी। मान रहे हैं, देखिए माश की दाल को मैंने 25 मिनट कुकर में पका लिया, और अब हम इस घोटने से इसको घोट लेंगे, और फिर इसका तड़का लगाएंगे। ये जो गोश्त है ना, इसको अच्छे से ना इसे ऐसे दबा दबा कर इसे अच्छे से घोट लेंगे, और फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। देखिए मैंने माश की दाल और गोश्त को अच्छे से घोट लिया है, इस साबुत माश की दाल पका रही हूँ। ये हमारी काली माश की दाल साबत मैंने बनाई है गोश्त के साथ, तो ये अब तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड में कर देते हैं, और अब हम इसका तड़का लगाते हैं। ये देखें, बस इतनी गाढ़ी सही है, चावलों के साथ पकाऊंगी मैं। रखमान रहा, ये एक प्याली मैंने इसमें ऑयल डाला है, और अब हम इसमें ये तड़के का सामान डालेंगे। ये मैंने थोड़ी सी अदरक ली थी एक टुकड़ा, उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये एक छोटी सी प्याज है, और ये 4 जो है लहसुन के, इन्हें भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया। इन सबको हम तड़का लगाएंगे, इन्हें थोड़ा गोल्डन कर लेंगे, और फिर हम इसे दाल में डालेंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, हमारा तड़का तैयार हो गया। तड़का हम दाल में डाल देंगे, थोड़ा सा मसाले में डिश में आपको दिखाएंगे ना दाल, उसमें लगाएंगे थोड़ा सा। तड़का हमारा लग गया है, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, और हमारी दाल तैयार हो गई। ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए रख लेंगे, और बस अब इसे हम मिक्स करेंगे, और हमारी दाल तैयार हो गई। माश की काली माश की दाल और गोश्त बनाया है मैंने। चलिए, ये हमारी दाल तैयार हो गई है, अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी डिश आउट करके। अल्हम्दुलिल्लाह, काली माश की दाल साबत और गोश्त हमारा तैयार हो गया। मैंने ये देखें, इस पर गरम मसाला भी छिड़क दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दिया है, बाकी हरा धनिया मैंने हांडी में भी डाला है मैंने गरम मसाला। तो आप ये काली माश की साबत दाल ज़रूर ट्राई करें गोश्त के साथ, गोश्त के साथ ज़्यादा मज़े की लगती है। आप इसमें बीफ का गोश्त, मटन का गोश्त, जो आपका दिल चाहे उस गोश्त के साथ आप इसे बनाएं, और ज़रूर ट्राई करें। बॉयल चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहें, ये सबके साथ मज़े की लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।